हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट मफिन केक, जिन्हें हम एगलेस और विदाउट अवन बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर या घी। तो मैंने ये घर का शुद्ध घी लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से क्रीमीनेस होने तक एकदम फेंट लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे 1 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे 1/2 कप। ये पाउडर चीनी हमने घर पर ही इसे पीस लिया है और इसे भी हम साथ में ही बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है दही, तो ये 1/3 कप दही है। दही को भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास दही ना हो तो गुनगुने दूध में आप 1 टीस्पून विनेगर डाल दीजिएगा, तो वो दही का काम करेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप और 1/2 कप मतलब कि 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो इस रेसिपी को आटे के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा डाल दिया है। पहले से हमने मैदे को छान लिया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्लफी और स्पंजी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये दोनों ना हो अगर आपके पास तो बिल्कुल लास्ट में जब इन्हें मोल्ड में डालेंगे उसके पहले आप इसमें 1 पैकेट इनो डाल दीजिएगा। अब हम इसमें मिल्क डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 कप मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिसमें कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ बने, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें बहुत ही स्मूथ और लम्स फ्री बनानी है। बैटर ना बहुत ज़्यादा थिन रखना है ना ही बहुत ज़्यादा थिक, मीडियम कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी तक हमें इसे अच्छी तरह से मिल्क ऐड करना है। सारी चीज़ें हमने रूम टेम्परेचर पे ली हैं, कोई भी चीज़ ठंडी या बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पूरा हमारा 1 कप इसमें ये देखिए मिल्क ऐड हो चुका है। तो कोई भी कप या फिर आप एक कटोरी इस्तेमाल करें इस मेज़रमेंट के लिए। तो बैटर बहुत ही स्मूथ एंड फ्लफी तैयार हो चुका है। बैटर हमारा तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहें तो चॉकलेटी फ्लेवर के मफिन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद फ्लेवर का एसेंस डालकर आप अपने मनपसंद फ्लेवर का बना लें। तो ये देखिए बैटर एकदम रेडी है। अभी ने हम बना रहे हैं चॉकलेट चिप्स मफिन, तो हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच चॉकलेट चिप्स, ये चोको चिप्स है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट को छोटा छोटा चॉप करके भी ले सकते हैं। तो बैटर एकदम तैयार है, मफिन मोल्ड में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन मफिन मोल्ड लिए हैं, यदि आपके पास ये ना हो तो आप इन्हें सिंपल कटोरी में भी बना सकते हैं। अभी ने हम इनमें 1.5 टेबल स्पून डाल देते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल हाफ ही भरना है, क्योंकि साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये फिर नीचे गिर जाएंगे जब बेक होंगे। तो आप चाहे तो कोई भी छोटी या बड़ी अपने घर के हिसाब से जो कटोरियाँ उनमें आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर इन्हें बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इनमें भर दिया है, हल्का सा टैप कर देंगे इन्हें। थोड़ा सा और टेस्टी एंड चॉकलेटी बनाने के लिए ऊपर से भी मैं चॉकलेट चिप्स में डाल देती हूँ। इसके ऊपर से मैंने थोड़े से स्प्रिंकलर भी इसमें ऐड किए हैं, जिससे देखने में सुंदर और खाने में टेस्टी लगेंगे। तो सभी में हम चॉकलेट चिप्स लगा देते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स ना हो तो आप डेरी मिल्क को भी चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने एक मोटे तले का बर्तन लिया है, एक कटोरी रख दी है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अच्छी तरह से गर्म हो गया है बर्तन, अब इन्हें रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट में एक बार ज़रूर चेक कर लें, बार बार कवर हटाकर बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो इससे इनकी स्टीम जो है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छे से बेक नहीं होते। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं, टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम क्लीन आ रही है, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मफिन बन गए हैं। तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी चॉकलेट मफिन केक। आप इन्हें घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं हफ्तों तक।
आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।